आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप लगातार जो चुनावी यात्रा राजस्थान की हम कर रहे हो, आप लगातार देखते आ रहे हो, इसी से रिलेटेड एक सरपंच, जो भावी सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलने वाले हैं, उनसे मैं बातचीत करवाऊंगा। सरपंच साहब, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मैं रिटायर फौजी हूँ जी, गांव रोजड़ा है। तो आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी वाइफ? मेरी वाइफ है। आप प्रतिनिधि हैं जी। तो सर, ये बताएं कि सबसे पहले आपके मन में ये सवाल कहाँ से निकला कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, मेरे को गांव में आए 20 साल हो गए जी, फौज से रिटायर होने के बाद। तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, कोई सरपंच पद के लिए ये वादा करूँगा वो वादा करूँगा, काम कुछ करते नहीं है। अभी तक मेरे गांव में बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से गांव वंचित है। और मैंने अपने दिमाग से ये सोचा कि अगर हमें लोग मौका देंगे तो शायद हम इनका जो है काम कुछ करेंगे। जो जैसे रास्ते हैं ये बढ़िया नहीं है, किसी का खेत दब रहा है, किसी का कोई रोड नहीं बनने दे रहा, बीच में रोक देता है। तो बिल्कुल रोड खराब है, पानी भरा पड़ा है, आने जाने की बड़ी परेशानी है। और सरपंच जो लोग हैं, जो वो किसी एक का पक्ष कर जाते हैं, किसी दूसरे से झगड़ा करवाते, ऐसा कुछ मैंने महसूस किया कि ये सब ठीक नहीं है। और अगर मौका मिलेगा तो सेवा करेंगे, थोड़ा बहुत इनको जो है ठीक करेंगे। अपनी अकेली पंचायत है या और भी गांव है? 3 गांव है मेरी पंचायत में। कौन सब? से रोजड़ा, ककराई और मांदरी। तो कितने प्रतिनिधि खड़े हैं? 8 प्रतिनिधि हैं। तो कितने वोट पोलिंग होते हैं? करीब 3500 वोट हैं। 3500 में 8 की लड़ाई है जी। हाँ, मतलब तो काफ़ी टफ मुकाबला है सर जी। हाँ, तो कैसे, क्या तैयारी चल रही है अपनी? तैयारी तो चुनाव की मेरी बढ़िया है और लोग मुझे पसंद भी करते हैं कि भाई चलो, आर्मी का पर्सन है पूरा और रूल रेगुलेशन का पक्का है। मैं जैसे गांव में कोई छोटी मोटी पंचायत हो या कोई बात हो तो मैं सीधी स्पष्ट बात कर देता हूं, तो लोग थोड़ा सा यूँ मानते हैं कि भाई साफ सुथरी बात कहने वाला बंदा है। बिल्कुल। और कुछ हो सकता है, मौका मिले तो कुछ साफ सुथरा न्याय भी कर सकेगा। आगे आप गांव के लिए क्या कुछ करेंगे, जैसे भाई युवाओं के लिए क्या होगा? और गांव में सुविधाएं ये नहीं है, पेयजल की समस्या रही होगी यहाँ पे, और नालियों में पानी भी भरा पड़ा है, और रास्तों में भी रोड टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो खड्डे हो रखे हैं। क्या कुछ करोगे, बिजली की समस्या, यातायात की? देखो, युवाओं के लिए तो मेरा सबसे पहले है एक स्टेडियम बनाने का, जैसे खेल मैदान। युवाओं के लिए तो सबसे मेन मेरा यो ही रहेगा कि इनके लिए कोई खेल मैदान बनाया जाए। ठीक है सर, और क्या करोगे? दूसरा, जैसे गांव के रास्ते हैं वो काफ़ी लोगों ने जो है क्लोज कर रखे हैं दबा करके जी। तो उस वो रास्ते जो ऐसे हों के कम से कम ट्रैक्टर ट्राली बिल्कुल आसानी से जा आ सके। बाकी जैसे कुछ लोग खेतों में चले गए, उनके पास पेयजल वाली ये जो गवर्नमेंट लाइन आ रखी है, इससे वे लोग वंचित हैं, तो उनको जोड़ा जाए वहाँ जी। कुछ लोग बिजली से भी अभी तक वंचित हैं, उनके यहाँ बिजली पहुँचाई जाए। कुछ ऐसे इरादे हैं और देखो कोशिश भी करेंगे इनको। शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल कौन सी क्लास तक है? 10वीं तक है। उसमें क्या कुछ सुधार करोगे? स्कूल में मैं जैसे इनको टीचरों के ऊपर है ना, जैसे इनका है कि साहब एक तो हमारे पास जीना नहीं है स्कूल के लिए, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कोई व्यवस्था करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। शिक्षा, हाँ शिक्षा, मतलब स्कूल सबसे हमारा मेन है कि इस सबसे बड़ी गांव की या हमारे युवा पीढ़ी की कहो या जो भी, स्कूल ही सबसे महत्व है वाली चीज़। वहीं से बच्चे निकल के आएंगे आगे, वहीं से बच्चे पढ़ेंगे, सबसे महत्व वाली चीज़ है। तो उसमें थोड़ा सा जैसे बच्चों के लिए कोई बैठने का अरेंजमेंट कोई कम है तो वो किया जाए पूरा, या फिर कोई जैसे बच्चों के लिए मान लो कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, कपड़ा भी नहीं है, कोई किताब भी नहीं है, कुछ उसमें थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करी जाए।
जितनी हो सके वो करने के लिए। जो वोटर्स आपके आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? वोटरों को मैं कह भी रहा हूँ, किसी वोटर से मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा तो तुम्हारा ये करूंगा तुम्हारा वो, ऐसा कोई मैं वादा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन वोटरों को ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर मैं सरपंच बना तो आप लोगों को इसका बेनिफिट अवश्य दूंगा। जितने भी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा अपना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट काम में लाए जाएंगे, अब ग्रांट काम में लाए जाएंगे और जो है लोगों को सुविधा दी जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, कोई बीपीएल के लायक हैं वो नहीं जा पाए बीपीएल में जी। बहुत सारे लोग हैं जिनको गेहूं वगैरह सस्ते दामों पर जो गवर्नमेंट दे रही है मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है जी। ऐसे लोग भी बहुत से हैं जी। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि जैसे जो चीज़ गवर्नमेंट से जिसके लिए आती है ना, जिसको वाजिब मिलनी चाहिए वो कम मिल पाती है, वो वंचित हो जाते हैं। मिलनी चाहिए पूरी, उनको मिलनी चाहिए। अभी कब है इलेक्शन अपना? हमारा इस 28 तारीख। आपको चुनाव चिन्ह मिल गया? हाँ जी मिल गया। क्या है अपना चुनाव चिन्ह? बल्ला का है, क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट। तो साथियों, जिस प्रकार से जो भावी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ बने हुए हैं वो बता रहे हैं कि क्रिकेट का बैट उनका चुनाव निशान है, और जिस प्रकार से बातें बता रहे हैं, ये स्ट्रिक्ट पर्सन है, डिसिप्लिन इनको चाहिए, आर्मी पर्सन है, ये आगे विकास भी बहुत अच्छा करवाएंगे। एक तो युवा और दूसरा जब फौजी व्यक्ति अगर सरपंच बनता है तो वो गांव का विकास अवश्य करवाता है। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, गांव का विकास चाहते हैं या किस प्रकार से क्या सोचते हैं आप अपने बारे में, अपने गांव के बारे में। साथियों, इनसे रिलेटेड जो खबरें होंगी मैं दिखाता रहूंगा, और जो हमारी चुनावी यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।